एक मिनट, रुक, शिट यार, किसने कुछ किया? नमस्कार साथियों, मैं हूं नंदन वाजपेयी। आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं और पहले बता दूं आपको कि ये वीडियो आज कुछ लंबा होने वाला है और काफ़ी मज़ेदार वीडियो है, आप लोग पूरा देखिएगा। और बहुत सी चीज़ें इस वीडियो में मुझे बतानी हैं, तो मेरे को आज जुखाम है पहली चीज़ तो ये, तो मैं ठीक से अगर बोल नहीं पा रहा हूँ तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब यहाँ पर ज़्यादा देर ना लेते हुए, समय को लंबा ना करते हुए, वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं फिर से एक एनालिसिस वीडियो लेकर के आया हूं और अब तो आदत सी पड़ गई है एक एनालिसिस वीडियो बनाने की, क्या करें, मजबूरी है भाई। तो जिन लोगों को मैं वॉच करता हूं, जिन लोगों को फॉलो भी करता हूं, सब्सक्राइब कर रखा है, उनके वीडियो को भी देखता हूं, लेकिन अगर उनके वीडियो में कहीं ना कहीं कोई कमी नज़र आती है तो उसकी बात को जो है रखता हूं वीडियो बना करके। तो आज मैं बात कर रहा हूं फिर से इन दो प्राणियों की, यानी कि एक हमारी बहन जी हैं, एक हमारे भाई साहब हैं। और मैं पहले बता दूं आपको भी और इन दोनों लोगों को भी, भाई मेरी आप लोगों से कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो इसको रॉन्ग वे पे मत लीजिएगा। ये मान लीजिएगा कि मैंने कुछ अगर आपके वीडियोस में कुछ मिस्टेक्स पकड़ी हैं तो एक एनालिसिस किया है, तो उसका जवाब देने की कोशिश करिएगा, उसको विपरीत मत लीजिएगा, और बस इतना ही कहना चाहूँगा। आप ये मत समझिएगा कि आपके चैनल के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ कि आप दोनों ही लोगों ने साथ में जा कर के एक जो है कोलैप्स बनाया है और चैलेंजिंग एक्सेप्ट करके एक वीडियो बनाया है, दोनों ही लोगों ने बनाया। तो मैं पहले बहन जी की बात करता हूँ कि भाई आप जाते हो और वहाँ पर जो खूनी नदी है रोहिणी की, तो वहाँ से शुरुआत करते हैं। कि पहले तो मैं बता दूँ आपको कि आप लोग कभी भी जो है अपने किसी भी वीडियोस पर गूगल टाइम नहीं दिखाते हो, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि गूगल टाइम दिखाना ज़रूरी है या नहीं है, ये कोई मायने नहीं रखता है। चलिए आपके अंदर हौसला है, साहस है वहाँ वीडियो बनाने का, सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जब आप गूगल टाइम नहीं दिखाते हो तो आप अपने टाइटल पे 12 AM क्यों लिखते हो, कोई मतलब नहीं बनता है। और अगर लिखा है तो भाई फिर आपको दिखाना पड़ेगा, या तो आप लिखिए नहीं। आप कभी भी जाइए, आप 6 बजे जाते हो, शाम को 7 बजे जाते हो, आप वीडियो बनाते हो, वो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मैं भी जानता हूँ भूत का कोई टाइम नहीं होता है, वो 7 बजे भी आ सकता है अगर आना होगा उसे, 8 बजे भी आ सकता है, 6 बजे भी आ सकता है। चलिए दूसरी बात करते हैं, चैलेंज एक्सेप्टिंग की बात। वहाँ पर आप लोगों ने खड़े होकर के एक बात बोली कि यहाँ के यूट्यूबर हम हैं, तो फाइव में लोगों को बहुत लोगों को कम पता है क्योंकि यहाँ के यूट्यूबर कोई नहीं है, हम ही है, तो हमें फेमस करनी है जगह। तो मैम को ना यूट्यूबर हम हैं और कोई यहाँ का यूट्यूबर नहीं है, ठीक है। तो भाई आई थिंक मुझे याद है जहाँ तक कि मैंने ऑलरेडी इस खूनी नदी के कई सारे वीडियो अब तक देख चुका हूँ यूट्यूब पर, और द रियल वन को भी देख चुका हूँ, एक्सप्लोरिंग इंडिया को भी देख चुका हूँ, वो लोग भी ऑलरेडी वहाँ पर जा चुके हैं वीडियो बनाने। तो मतलब आप लोग कैसे कह सकते हो कि यहाँ के यूट्यूबर हम हैं और किसी ने दिखाया नहीं, ठीक है, उन लोगों ने दिखाया है। और उसके बाद हमारे राहुल भाई साहब, राहुल दुबे जी, जिनका चैनल है द रियल रिवील्ड, तो उन्होंने भी जो है इस पर एक वीडियो बनाया है। तो ऐसा मत बोलिए कि सिर्फ आप लोग ही बना रहे हो। चलिए दूसरी बात करते हैं चैलेंज एक्सेप्टिंग कॉन्सेप्ट की। भाई अभी तक आप लोग अपना अपना व्लॉग शूट कर रहे थे, ठीक है, दिन में भी शूट करते हो, नाइट में भी शूट करते हो। अब बात करते हैं कि आप लोगों ने ये चैलेंज एक्सेप्टिंग का कॉन्सेप्ट जो है ये कहाँ से आया, अभी तक तो कहीं यूट्यूब पर दिखाई नहीं देता था। हाँ, इसकी शुरुआत जो है बता दूँ कि इसकी शुरुआत राहुल दुबे जी ने की, रियल रिवील्ड वाले भाई साहब ने, और उसके बाद से आई थिंक आपने उनका कंसेप्ट कहीं ना कहीं जो है यूज़ कर लिया,
कोई बुरी बात नहीं है, पसंद आता है लोगों को, तो अपने अपने आइडिया से जो है चलते हैं लोग। तो ये चैलेंज एक्सेप्टिंग कॉन्सेप्ट उनका है। आप लोग व्लॉग करते थे अभी तक, और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन उनको इस वीडियो पर नहीं रखूँगा, उनको किसी और वीडियो पर रखूँगा। वो आप लोगों से जुड़ी हुई नहीं है, वो किसी और चीज़ों से इसी तरीके की हैं जो चैलेंज एक्सेप्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट किसी का यूज़ करने से संबंधित जो मेरे पास और चीज़ें हैं उनको किसी और वीडियो पर रखूँगा अपनी बात को। अब आप लोगों की बात करते हैं कि आपको इन्होंने चैलेंज दिया भाई साहब ने कि आप यहाँ से वहाँ खूनी नदी के पास मतलब जो रोड है हाईवे तक वहाँ पर आप जाइए ब्लॉग बनाने। सो आज मुझे ओम एक चैलेंज देने वाले हैं। पता है सीन क्या है कि आज कल ना दीप्ति में हमने बहुत हॉन्टेड वीडियो बना रहे, तो मैंने कहा यार एक चैलेंज तगड़े वाला देता हूँ इनको। और आप चल देते हो वहाँ पर अपने हस्बैंड को लेकर के साथ में, तो ये अच्छी बात है कि अपनी सेफ्टी के लिए आपके घर का कोई सदस्य आपके साथ मौजूद है, और होना भी चाहिए। अब बात करते हैं कि मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने कहीं ना कहीं नोट डाउन करके रखे थे जो आपके वीडियो में मैंने पाए, मैं उन्हें यहाँ पर रखना हूँ। अगर वो पॉइंट्स गलत हों तो आप भी अपने किसी ब्लॉग में या कोई एक वीडियो बना करके इन पॉइंट्स का जवाब दे दीजिएगा हो सके तो। मैं यहाँ पर कोई मतलब बुरे माध्यम से जो है बुरे लिहाज से आपको जो है ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ। तो मुझे ऐसा डाउट होता हुआ इस वीडियो में कि जैसे कि आपने बोला कि मतलब ओम भाई साहब आप यहीं रुकिए और मैं वहाँ पर जा रही हूँ शूट करने और देखती हूँ क्या है क्या नहीं है। तो मुझे ऐसा डाउट हुआ है कि ओम भाई साहब वहाँ पर स्टे नहीं हुए, रुके नहीं, आपके साथ गए थे वहाँ पर, ठीक है, यानी कि आप दो लोग नहीं आप तीन लोग गए थे वो शूट करने उस नदी की तरफ उस रोड पर। और उसके कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास जो कि मैं बता रहा हूँ कि मुझे ओम की परछाई नज़र आई है इस सीन पर। देखिए आप लोग सब लोग इस सीन पर, आप लोगों को ये सीन जो मैं दे रहा हूँ इस पर साफ या अलग से भी इनके वीडियो पर जा कर के आप लोग देख सकते हो। और अगर मैडम आप भी अपना वीडियो दोबारा देखेंगी तो उस पर जो है आपको 2:44 से स्टार्ट है एक परछाई, छोटे से समय अंतराल के लिए आई है वो परछाई दीवार पर, ठीक है, पूरी बात समझिएगा पहले। 2:44 के इस सीन पर एक जहाँ पर आप खड़े हो यहाँ पर देखिए दीवार पर आपके ठीक राइट हैंड साइड पर एक परछाई है, वो परछाई मूव होकर के इस तरफ आ रही है राइट टू लेफ्ट, वो किसकी है? अब आप कहोगे वो मेरे हस्बैंड की है, तो ये दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज योर हस्बैंड वॉज इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, विद कैमरा। तो आपकी नज़रें जो हैं आपके हस्बैंड पर है, यानी कि कैमरा लिए हुए हैं वो, ठीक है, और वो सीधे देख रहे हैं आप उनको, ठीक है, इस तरह से। तो ये बगल में कौन है भाई, परछाई किसकी है? ये परछाई उस तरफ से इस तरफ आ रही है, ठीक है। तो ये मैंने पहला पॉइंट यहाँ पर नोट किया है, तो ये मुझे ऐसा डाउट हुआ है, बाकी आप जवाब दीजिएगा। उसके बाद आई थिंक 4:10 पर भी एक मुझे परछाई दिखी है, होप कि वो ओम ही हो सकता है, बाकी आप ज़्यादा बेहतर जानते हो। ये सीन पर भी आप देख सकते हो, थोड़ी थोड़ी कट है मेरे पास, तो इसको आप देखिए और ये परछाई किसकी है। उसके बाद बात करते हैं कि 6:22 पर, यानी कि 6:22 से 6:24 के बीच में ये जो परछाई है ये भी कहीं ना कहीं इशारा करती है कि आपके साथ तीसरा कोई शख्स मौजूद था, और वो तीसरा शख्स कोई और नहीं ओम ही हो सकता है। आगे बात करते हैं, आपने 9:11 पर, यानी कि इस सीन पर आप कायदे से देख लीजिए, मैं इस सीन को थोड़ा सा थोड़े थोड़े लंबे ही चलाऊंगा, ठीक है, बैक साइड पे भी मेरे चल सकता है। तो 9:11 पर आपके अल्फाज थे, एकदम से आपने बोला, किसी ने जब कुछ आवाज़ की पत्थर फेंका तो आपके मुंह से निकला कि मुझे ऐसा लगा पीछे जो लड़के दारू वारू
तो बस यहाँ आप रुक गए। ऐसा लगा है कि किसी ने ना डराने की कोशिश करी है, मेरे को लग रहा है वो पीछे लड़के बन के दारू वारू। तो दारू वारू आप कहना चाहती थी कि मुझे ऐसा लगा कि जो पीछे लड़के दारू वारू कुछ लोग पी रहे थे, तो वो आपने थे ना लगाया, और वो इस वजह से कि हो सकता है आप जब शूट करने पहुंची हो तो आपको कोई ना कोई वहां पर दिखा होगा, कुछ लड़के दिखे होंगे दारू पीते हुए, तो उस बात को पूरी आपने नहीं रखी, ठीक है, तो आपने कट कर दिया इस चीज़ को और घुमा दिया बात को। आप ये शो करना चाहते थे कि मतलब अगर मैं ये बोल देती कि पीछे कुछ लड़के दारू वारू पी रहे थे तो जाहिर हो जाता कि आप नाइट में ब्लॉग शूट नहीं कर रहे हो, ठीक है, और ऑलरेडी वहाँ पर कोई और लोग भी मौजूद थे, तो आपने बात को शायद घुमाया मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी एज आई फील। तो वो चीज़ भी एक पॉइंट है, उसको भी आप देख सकते हो। उसके बाद 10 मिनट 42 सेकंड पर और 10 मिनट 52 सेकंड पर आपने दो बार इस सीन पर देखिए कि आपकी नज़रें एकदम से इस तरफ को गई हैं, ठीक है, यानी कि अपने राइट हैंड साइड पर, तो किसको देख रही हो आप? मेरा चैलेंज ऑलमोस्ट वो पूरा हुआ, वो आपको दूर से दिख रहा होगा कि वहाँ पर थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक चल रहा है और मैं ऑलमोस्ट वो जो हाईवे वाला रोड है वहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। मुझे तो यही फील हो रहा है कि ओम कुछ कह रहा है और आप उसकी बातों को सुन रहे हो, लेकिन आप इधर जो है ब्लॉग शूट भी कर रहे हो अपना, तो कई जगह पर ओम के होने का एहसास हुआ मुझे। उसके बाद आगे बात करते हैं, चलिए एक इस वीडियो का जो मेन पॉइंट है उस पर आते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा इस वीडियो को। मेन पॉइंट ये है कि करेक्ट 12 मिनट पर आपको उस रोड पर कुछ टोटका सिंदूर पड़ा हुआ एक नींबू पर और कुछ दाल के दाने वगैरह दिखाई दिए। चलिए ये तो मैंने भी देखा, दिखे आपको, ठीक है। उसके बाद आपका जो चैलेंज है, आप वो सब शूट करके आपको टोटका भी दिखा, आप शूट करके वापस आ गए हो, और वापस आने पर 13 मिनट 17 सेकंड पर आपने बोला कि मेरा चैलेंज कंप्लीट हुआ। मेरा चैलेंज कंप्लीट हुआ और मैं सही सलामत हूँ, देख सकते हो कि आप, मैं अपने दोनों पैरों पे खड़ी हूँ और दोनों हाथ हिला के आपसे बात कर रही हूँ। सो ओम जो है मेरा बैठ के वहाँ वेट कर रहे हैं, चलते ओम के पास। ओम, हो गया हमारा चैलेंज कंप्लीट। आप बता देना कुछ दिख रहा था सिंदूर। हाँ एग्जैक्टली, वो एक अब समझने वाली बात है, बड़ा गौर से समझिएगा इस चीज़ को थोड़ा सा, कि आपने बोला 12 मिनट पर आपने सिंदूर शो किया और 13 मिनट 17 सेकंड पर आपने बोला कि मेरा चैलेंज कंप्लीट हुआ, आप वापस आ गए, और अब तक आपसे ओम की कोई मुलाकात भी नहीं थी, क्योंकि ओम तो ऑलरेडी वहाँ बैठा हुआ था ना और आपका इंतज़ार कर रहा था। तो फिर जैसे ही आप ओम के पास पहुँचते हो, ओम बिना रुके बिना कुछ सोचे आपसे चट से ये बात बोलता है कि आपको सिंदूर के बारे में बता रही थी। चलते ओम के पास। ओम, हो गया हमारा चैलेंज कंप्लीट। आप बता देना कुछ दिख रहा था सिंदूर। हाँ एग्जैक्टली, वो एक तो भाई यहीं पर एक मेन पॉइंट नजर आता है कि ओम को कैसे पता कि आपको वहां सिंदूर दिखा था, कैसे पता आप? अब बताइए, वो व्लॉग में आपके साथ जा नहीं, ठीक है, जैसा कि आपने अपने व्लॉग पर शो किया है और यही आपका मोटिव भी था, ठीक है, कि आप दो लोग जा रहे हो, तो ओम ने किस बिहाफ पर ये बात बोल दी आपसे? और शायद आप इस सीन को एडिट करना नहीं कर पाई ठीक से या जो भी हो, लेकिन ये पॉइंट कहीं ना कहीं मेरे समझ में, मेरे को पकड़ में आता है। अब आप, हो सकता है आपके पास एक, मैं भी बता देता हूँ ताकि आप कल को जवाब दो, तो ये ना बोल सको कि भाई मैंने रास्ते में जब वापस आ रही थी तो ओम को कॉल कर दी थी। आप कॉल क्यों करोगे भाई? आप तो अपने ब्लॉग शूट कर रहे हो, तो जब वापस आपको ओम के पास पहुँचना ही है और आप ओम के पास वापस जा ही रहे हो, तो कॉल की कोई मतलब ही नहीं बनती है, आप जा कर के भी तो बताओगी, तो ये कोई पॉइंट नहीं हुआ, ठीक है। ओम ने आपसे ये बात बोली कि आप सिंदूर के बारे में कुछ, और वो भी हिचकिचा गया वहाँ पर। तो भाई ये एक पॉइंट है, अब आप इसे मानो या ना मानो, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ,
ये बारीकियां हैं। मैं आप ये भी समझ सकते हो कि मैं आपका वीडियो बहुत पहले से देख रहा हूँ, बड़े अच्छे व्लॉग लगते हैं मेरे को, अच्छा बनाते भी हो आप, अदरवाइज़ ऐसे कोई पॉपुलर नहीं होता। आपकी कड़ी मेहनत है और इस चीज़ को मैं जानता हूँ, इसके खिलाफ़ नहीं हूँ मैं और आपके वीडियो के भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन कुछ बारीकियाँ हैं उसे आप समझिए और इसका जवाब दीजिए। मेरा अपना कंटेंट है ये, इस कंटेंट का आप जवाब दीजिए, इसको अदर वे पे मत लीजिएगा, ठीक है। तो ओम ने वहाँ पर बोला आपसे कि वो सिंदूर वाली बात, तो वो एक पॉइंट है कि जो इंसान आपके साथ वहाँ गया नहीं तो वो सिंदूर के बारे में कैसे जान सकता है, और उसने आपसे बोला तो आप सकपक आ गई थी एक बार और आपने बात को वहाँ पर बारीकी से घुमा दिया, घुमाया था कि नहीं घुमाया था आप ही जानते हो, चलिए कोई बात नहीं। और ये 13 मिनट 32 सेकंड की बात कर रहा हूँ, एक एक कट सीन है हमारे पास, ये आप देख सकते हो, मैं इस पर आपको दिखा रहा हूँ। मेरा चैलेंज कंप्लीट हुआ और मैं सही सलामत हूँ, देख सकते हो कि आप, मैं अपने दोनों पैरों पे खड़ी हूँ और दोनों हाथ हिला के आपसे बात कर रही हूँ। सो ओम जो है मेरा बैठ के वहाँ वेट कर रहे हैं, चलते ओम के पास। ओम, हो गया हमारा चैलेंज कंप्लीट। आप बता देना आपको कुछ दिख रहा था सिंधु। हाँ एग्जैक्टली, वो एक, उसके बाद मैं बात करता हूँ आगे, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। हाँ एक चीज़ और है, इवन अगर आपका ये वीडियो रात को 12 बजे ही शूट हुआ तो मैं समझता हूँ 12 बजे के आसपास जो ट्रैफिक होता है वो शायद ना के बराबर लगभग हो जाता है, होता है ना के बराबर, इक्का दुक्का। लेकिन 13 मिनट 41 सेकंड पर जो ट्रैफिक आपके पीछे नज़र आ रहा है वो बराबर कंटिन्यू चल रहा है, इट मीन्स के वो टाइम जो था वो ऐसा समय अंतराल था जिस पर गाड़ियां जो हैं बराबर चलती रहती हैं, कहीं स्टे नहीं करती हैं, तो ऐसा मुझे फील हुआ है। बाकी आप जवाब दीजिएगा इसका, बेहतर है। और दूसरी चीज़ मैं आपसे यहाँ पर एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आपको बता दूँ आपके दिन के जितने भी व्लॉग हैं बहुत अच्छे बनते हैं, मैं आपसे सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि नाइट ब्लॉग आप मत शूट किया करो। मैं ही नहीं बोलता कि यू आर नॉट एबल टू मेक एनी नाइट ब्लॉग, आप हर तरीके से काबिल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए होता क्या है, मेरे हिसाब से जो अभी तक मैंने जाना है, पूरे यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूँ, अभी तक मैंने जाना है जो अभी तक, और जो नए आए उनकी बात यहाँ नहीं करूँगा मैं, क्योंकि उनके विषय में अभी तक मैं पूरी तरीके से जान भी नहीं पाया हूँ इतना ज़्यादा कि वो वाकई मतलब क्या है, कैसा क्या है उनका। मैं अब तक पुराने जो खिलाड़ी जिनको माना हूँ और जो सच में रियल में कुछ दिखाते हैं और ज़बरदस्ती का भूत नहीं शो करते हैं और कुछ भी ऐसा नहीं शो करते हैं कि जिसमें फेक नज़र आए या बनावटी नज़र आए, वो दो ही चैनल हैं, वो है एक्सप्लोरिंग इंडिया और द रियल वन, ठीक है। तो इन चीज़ों को बहन जी थोड़ा सा बारीकी से लीजिएगा और आगे से हो सके तो अपने वीडियो को एडिट वगैरह अच्छे से कर लीजिएगा, और नहीं तो मैं एनालिसिस अगर करूं तो मेरे को जवाब दीजिएगा, और इसको विरोध के उसमें मत लीजिएगा, मेरी आपसे कोई डिस्प्यूट नहीं है, आप बहुत आगे वो सीनियर भी हो, ठीक है, पर बारीकी अगर निकलेगी तो बोलूँगा ज़रूर, क्योंकि आपके चैनल देखता हूं और लाइक भी करता हूं, फॉलो भी करता हूं, सब्सक्राइब भी करता हूं, तो बारीकी निकालना मेरा कंटेंट है और मैंने ऑलरेडी वीडियो कई बना रखे हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिएगा। तो भाई यहाँ से हम अपने वीडियो को विराम देते हैं, और हाँ अब थोड़ा सा एक बात और कर लेते हैं, अपने भाई साहब का वीडियो स्पेशल तो नहीं बनाऊंगा मैं, इसी वीडियो पे उनकी बात करता हूँ, बात थोड़ी सी करता हूँ कि वो भी आपके चैलेंज पूरा होने के बाद अपना जो है लेकर के चले जाते हैं, मतलब कैमरा वगैरह, तो ये क्या है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मतलब क्यों ज़बरदस्ती, क्यों एक रोड के पीछे खूनी नहर, जब ऑलरेडी उस पर बन चुके हैं वीडियो और जब पाया गया है कि कोई भूत नहीं आया है, तो मतलब मैं नहीं समझता हूँ कि किसी तीसरे को फिर से वहाँ जाने की ज़रूरत है और इस तरह से माहौल और ख़राब होता है। तो गूगल ने यूँ ही नहीं किसी जगहों को जो है हॉन्टेड शो कर रखा है, हम ही आपकी वजह से गूगल जो है कहीं ना कहीं किसी चीज़ को हॉन्टेड प्लेस या हॉन्टेड लोकेशन मान बैठता है, गूगल वहाँ पर वाच करने कभी नहीं आता है कि हाँ ये हॉन्टेड प्लेस है, हम और आपकी गतिविधियों को देखता है, लोगों की गतिविधियों को, हमारी आपके द्वारा कही हुई बातों को देखता है
और जब वो बातें बहुधिया हो जाती हैं समाज में, बहुत सारे लोगों द्वारा बोली जाने लगती हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक पॉइंट बन जाती हैं जो गूगल के डायरी में नोट हो जाता है, गूगल के डाटाबेस पे चला जाता है और उसको शो करने लगता है हॉन्टेड प्लेस। तो अब क्या होता है, आने वाले समय में वही चीज़ आने वाली जनरेशन में हमेशा हमेशा के लिए हॉन्टेड हो जाती है या एक मतलब रहस्यमय बन के रह जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, कभी कुछ घटना किसी के साथ अगर हुई भी होगी तो किसी के साथ हुई है, उसे सभी के साथ न शो करना ही हम सबका दायित्व तो है। तो आशा करता हूँ मित्रों आप सबको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, और बहन जी आपको भी पसंद आएगा, आप इसे विरोध के उससे मत लीजिएगा। आपके जो चैनल है बहुत अच्छी है और कंटेंट भी आपके बहुत अच्छे हैं, और इवन मैं तो लाइक करता हूँ और देखता हूँ, आप इसे समझ लीजिए कि मैं देखता हूँ, क्योंकि अगर देखता ना होता तो आपके वीडियो पर वीडियो ना बना रहा होता। सो होप टू सी यू अगेन, सो लॉन्ग ऑल ऑफ यू माई फ्रेंड, बाय, टेक केयर।